चलिए पूरे दिन हमारे श्याम भाई साहब ऐसा नाम बताया चटर पटर मुनि का। सो आप देख सकते हैं कि हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। और मेरे साथ हैं अंसार भाई और श्याम भाई और हमारे सुनील भाई साहब। जग जाओ तो प्रभु, आज कैमरा बंद है, गाड़ी चलाओ। चालू है। ओ सॉरी। हमारे घर का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखो, वैसे तो अंधेरा हो रहा है और अभी टाइम हुआ है 5। सारी बाइक्स वगैरह, स्कूटर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह सारे पहले ये सारे बाहर निकले यहाँ से, फिर गाड़ी निकलेगी बाहर, उसके बाद फिर ये सारे अंदर जाएंगे। तो ये है सीन और बताना बहुत कुछ है, डिटेल में बात करेंगे। लाइट में आ जाते हैं तो अभी बज गए हैं 5। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र वंस अगेन। और आज ग्लोबल वर्ल्ड वीकेंड का 4th डे है, आज 8 अक्टूबर है और आज फील्ड में जाने वाला दिन है, मज़ेदार दिन है। आज हम अपनी होंडा सिटी से जा रहे हैं, तो बाकी की बातें सर गाड़ी में करेंगे क्योंकि अंसार कर रहे हैं इंतजार। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं सीधा आपको कार में। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आज बहुत जल्दी है और वीडियो आज थोड़ा सा लंबा होगा और कोशिश करेंगे ब्लॉग बना सकें। एक्चुअली अब प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ वगैरह हेलमेट में तो लग जाता है लेकिन कार में दिक्कत आती है, तो कोई इशू नहीं, कोशिश करेंगे बढ़िया बनाने की जितना बन पड़ा। तो अभी यहाँ से अब अंसार को लेते हैं और फिर पहुँचते हैं सीधा बाग पर। निकल चुके हैं और अभी बज रहे हैं 6:30। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सनराइज हो रहा है और उसके सामने खड़ी है हमारी टीम। और मेरे साथ हैं अंसार भाई और श्याम भाई और हमारे सुनील भाई साहब। जग जाओ तो प्रभु, आज कैमरा बंद है, गाड़ी चलाओ। चालू है। ओ सॉरी। कोई ना है, सॉरी, गाड़ी मुझे मालूम नहीं था कि धर्मेंद्र भाई ने इसमें छुपे हुए कैमरे लगा रखे हैं। सो हमारी टीम निकल चुकी है, हम फतेहपुर क्रॉस कर रहे हैं और काफी सारी बर्ड्स आप जो देख रहे हैं रोड साइड में, उनको सुनील और श्याम जी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी कॉमन चीज जो भी दिख रही है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि कितनी चिड़िया स्पेसिस हाईवे के रोड के साथ मिलती है। किंगफिशर तो इसको टोल पर बंद कर दिया है कि आज ज्यादा से ज्यादा चेक लिस्ट अपन निकाले, ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो सफर जारी है और फतेहपुर सीकरी को कवर करते हुए अब हम जोधपुर झाल जाएंगे। जोधपुर झाल आज पहला डेस्टिनेशन है और मैं पहली बार देखूंगा। अंसार भाई और श्याम जी तो नेचुरलिस्ट हैं, तो आप जाते रहते हैं, तो हम और हमारी व्यूजर, हमारी सिक्स फैमिली आज नया डेस्टिनेशन देखेंगे। और एक्चुअली अब हम वेट कर रहे हैं, हमारे जो दाऊदयाल शर्मा जी हैं वो हमसे पीछे हैं, पीछे वाली गाड़ी में आ रहे हैं। तो क्योंकि एक्चुअली यहाँ से हम दोनों गाड़ियों को एक संग लेके जाएंगे और कपूर झाल यहाँ से 12 किलोमीटर है, तो दिक्कत ये है कि अभी दूर जाना है और मॉर्निंग में जो बर्ड वॉचिंग होती है उसका क्रेज़ अलग होता है और उसमें हम चूकना नहीं चाहते और आज ज़्यादा से ज़्यादा और एक बढ़िया चेकलिस्ट बनानी है। तो जब तक हमारे सुनील भाई साहब लग रहे हैं चेकलिस्ट बनाने के लिए, देख रहे हैं बर्ड्स को कि कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि खड़े तो काम तो कर ही लेते हैं ना, काम करते हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और आज काफ़ी अच्छा दिन है और ये जो कह सकते हो एक कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है और आज उस मेहनत को फील्ड पर लाने का डे है। और सभी सुबह सुबह मैंने आपको जो दिखाया था कि लोग निकले हुए हैं, काफ़ी सारे लोग निकले हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने का प्लान है। आज और कल दो दिन दबा के बर्ड वॉचिंग होगी, दबा के स्पीसीज निकालने की कोशिश करेंगे, चेक सबमिट होंगी। तो बने रही है वीडियो में और आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग नहीं है, थोड़ी सी हट के ब्लॉगिंग है और ये भी होनी चाहिए। मोटो ब्लॉगिंग ही नहीं चलती रहेगी, सब तरीके की वीडियो होनी चाहिए। तो मुझे दो ही चीज़ का शौक है, एक तो बाइकिंग का और दूसरा बर्ड वॉचिंग का, आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। तो फिर आप यहाँ से जैसे ही शर्मा जी आ जाते हैं हमारे, तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। क्या है जा रहा हूँ
बर्ड वॉचिंग चल रही है और हमारे अंसार भाई लग रहे हैं चेकलिस्ट बनाने, हम कर रहे हैं ड्राइविंग और तीन पाइड सोलिंग कर लिए आई थिंक भाई साहब और श्याम भाई साहब बता रहे हैं बर्ड्स देख देख के और चेकलिस्ट हो रही है रेडी एकदम जेन्युइन। ये सब यूनिवर्सल प्रोडक्ट डब्बी थी ना काफी नॉलेज है और ऐसा रट गई है इनको सपने में भी चिड़िया दिखती है और हमको तो भैया आपको पता ही मना कर रहा हूँ श्याम भाई साहब से, छोटा नाम ढूंढो, ये बड़े बड़े नाम ला रहे हैं, हम पे तो बोले भी नहीं जा रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है। लाइविस पेड़ पे ऊपर उधर ऊपर हाँ ब्लैक हेडेड लाइविस, अब मैं बोल रहा हूँ तुम लेते जाना चलो ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, यहाँ मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं है और हम कार लेके चल रहे हैं। धर्मेंद्र भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना ये चाहेंगे कि स्थिति गंभीर है और गाड़ी इस लायक नहीं है वास्तव में देखा जाए। आज हम जहाँ लेके आए इस गाड़ी देखे देखो बिल्कुल जगह है ही नहीं, दिख नहीं रहा, रोड नहीं दिख रही है, पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। तो एक्चुअली हम अभी आ चुके हैं जोधपुर झाल और अभी एक स्कूल है ये और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत ही अच्छी जगह है। अंसार भाई बर्ड वॉचिंग करेंगे, हम व्लॉगिंग करेंगे और देखना शानदार बर्ड वॉचिंग होगी। अब तो हम आ चुके हैं जोधपुर झाल पर और यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स देखने को मिल रही हैं और अभी मैंने सारा स्क्रीन देखी, आई एम लकी, पेंटेड स्टॉर्क भी देखा और काफ़ी बाकी की बर्ड्स हैं जिन्हें मैं कम जानता हूँ, अंसार भाई ज़्यादा जानते हैं। और चेकलिस्ट तैयार हो रही है, पीछे हमारे अंकल डीडी शर्मा जी, उधर श्याम जी लगे हुए हैं, सुनील भाई सब भी लगे हुए हैं जैसा आप देख रहे हो। बहुत ही अच्छी लोकेशन है एक्चुअली, जहाँ भी पानी होता है ना वहाँ बर्ड्स होती हैं और खजूर के पेड़ होते हैं। इधर देखो ये लंबे लंबे पेड़ खजूर के और ये नहर जा रही है, नहर के अंदर बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। तो आज बढ़िया चेकलिस्ट तैयार होगी और कोशिश यही होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। और हम सभी लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छी लोकेशन है, थोड़ा सा धूप निकल आई है, एक्चुअली रास्ता बहुत ख़राब था जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के लाए हैं हम। डीडी शर्मा जी के संग दो तीन लोग हैं वो साली साइड में है, तो करीब 8-1 लोग अपन यहाँ पर हैं और चेक लिस्ट वगैरह बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है डेज़ और काफ़ी स्पीशीज़ अभी अपने आज दो तीन चिड़ियाँ तो जो अंसार बता रहा है अपन ने यहाँ पर नई देखी हैं, पहली बार यहाँ नोटेड हुई हैं। फिर वो चिड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ, बाकी की नॉलेज अनुसार से बाद में ले लेंगे, अभी काम पर लगा हुआ है। चलो बता दिया यहीं पे, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तालाब भी दिखा के लाना है। तो एक्चुअली में अब हम जो है जोधपुर झाल के अंदर हैं, जो बेसिकली एरिया है और हमारे एक भाई साहब हैं वो हमको ले जा रहे हैं और बर्ड्स काफ़ी हैं, काफ़ी स्पीशीज देखने को मिल रही है जोधपुर झाल में। आप देखो आप पीछे का देखो कितना सारा एरिया, इतना शानदार एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, पूरा वेटलैंड है ये, बहुत ही जबरदस्त वेटलैंड है ये। ओ वाह क्या बात है भाई साहब, कौन सी है ये? अभी तो कीटम लेके हैं, फिर नाम ले लिया लंबा सा, कीटम से फिर आगे जाएंगे इनकी सिस्टी कोला, इनके पास जाके पूछता हूं। अभी तो कीटम में है, कीटम से वहां पहुंचेंगे हम। एक्चुअली देखिए बताओ कौन सी है। हां अभी हम जोधपुर झाल में हैं जैसा आपको बता दिया होगा जी, सामने वो देखिए रीढ़ जो है, इसमें नहीं दिखेगी GoPro में, इसका फोटो डाल दूंगा मैं आपको। हां ये है जिटिंग सिस्टी कोला, जिटिंग सिस्टी कोला, यस क्या बात है, बहुत ही शानदार चिड़िया है और बहुत ही अच्छी जगह है ये। और इन भाई साहब को धन्यवाद जो हमको यहाँ पर लेके आए हैं, सच में पक्षियों के लिए स्वर्ग जैसी जगह है ये और देखने वालों के लिए भी जन्नत से कम नहीं है। और वास्तव में काफ़ी स्पीसीज है यहाँ पे, मैंने अभी मुनिया देखी एक छोटी सी जो सबसे ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल रेड कलर की और बहुत ही शानदार वेटलैंड है ये। चलिए तो आप थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं फिर दोबारा आपसे बात।
जोधपुर झाल पे ऑलमोस्ट बर्डिंग फिनिश कर चुके हैं और अभी हम यहाँ से रवाना होंगे दूसरी साइड के लिए और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या नया मिलता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्पीसीज मिली हैं जो पहले से रिपोर्टेड नहीं थी, जैसे कि थिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर, स्ट्राइटेड बेबलर। बहुत ही शानदार साइट है इस पर और किसी दिन फिर दोबारा आएंगे, और पहली बार आए थे आज और काफी स्पीसीज वगैरह यहाँ पे देखने को मिली। मैं तो खुश हो गया, मुझे वो सारा स्क्रीन देखने को मिली और नेस्ट पे वो बताओ क्या बात है, नेस्ट पे है वो अपनी, तो क्या बात है। चलिए तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी हमें जाना है। चलो, जगदम्बा डिग्री कॉलेज पर हम आ चुके हैं और हमारे श्याम जी का यहाँ पर लेक्चर है, तो देखिए अब थोड़ी बहुत देर में इस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं मिलता हूँ आपसे। I welcome everyone present here. I am Himanshi Sagar. I am pleased to welcome each and every one of you to the third national conference workshop on wetland and wildlife. So I'll share few things with you related to wetlands, that what wetlands are and why they are important and what we can do, how much water we will use in our daily life. रामसर कन्वेंशन या कुछ ऐसा वेटलैंड के बारे में सुना है? मैं बात करने वाला था बर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे उनका और हमारा हमेशा आमना सामने होता रहता है और ये आज से नहीं, ये हजारों साल से चला रहा है। ये कितने साल से चला रहा है कि बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ और हम लोग हम आपस में झगड़ते आ रहे हैं। एक छोटी सी सेमिनार खत्म हो गई और हमारे भाई साहब श्याम सुंदर जी ने समा बांध दिया और वल्चर पे बहुत शानदार इन्होंने एग्जांपल दिया, बहुत शानदार एग्जांपल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने काफ़ी अच्छा सराहा और 15 मिनट में इन्होंने बहुत कुछ बताया कि एक्चुअल में हम बर्ड्स को क्यों बचाएं, जो इकोसिस्टम है उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, इसलिए उनको बचाना बहुत ही हर ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपना अस्तित्व खो देंगे। बस 100% सही है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं रूप पास वाले रास्ते पर खानुआ होते हुए और हमारे तीनों भाई अभी बर्डिंग कर रहे हैं, चेकलिस्ट बना रहे हैं। तो अभी बर्ड वॉचिंग भी हो रही है और हमारे श्याम भाई साहब कुछ जो हम मोटो लेके चल रहे हैं और जो अब की बार ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड का जो मेन मोटो है वो है नेक्स्ट जनरेशन को, न्यू जनरेशन को इससे जोड़ना, तो उसी की दिशा में हमारे श्याम भाई साहब का प्रयास है। हमारे श्याम भाई साहब दिखा रहे हैं बच्चों को स्पॉटिंग स्कोप से कि किस तरीके से बर्ड्स को देखते हैं। तो ये जो स्पीशीज, ये जो चिड़िया है ना बेटा, ये हमारे हमारे तंत्र को, हमारे हमारे जो पर्यावरण है ना, हमारा जिसमें हम रहते हैं माहौल, बर्ड वातावरण, उसको अच्छा हेल्दी बनाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये लोग ना कीड़े मकोड़े खाते हैं, अगर ये नहीं खाएंगे ना कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े बहुत हो जाएंगे ना, तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। मैं दिखाऊं तो ये देख, लगा दिया, देख दिख रही है ना, कहाँ दिख रहा है? बगला दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक्चुअली ये प्रयास चल रहा है और हमारे अंसार भाई भी दोबारा चेकलिस्ट बनाने में लगे हुए हैं, बर्ड देख रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है, चेकलिस्ट बन रही है और काफ़ी स्पीसीज हैं यहाँ पे। इवन सारस क्रेन भी देखी है मैंने यहाँ पे और सारस क्रेन भी है। और मैं एक बार इस वेटलैंड को पूरे को दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार है। एक्चुअली इस तरीके के वेटलैंड्स को बचाने की ज़रूरत है और वास्तव में बहुत ज़रूरी है बर्ड्स को बचाना, क्योंकि ये पहले भी बता चुके हैं, श्याम जी बता रहे हैं, सब कह रहे हैं, इकोसिस्टम है ना, इसको बनाए रखने के लिए बर्ड्स का रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये बचा रहेगा और अब हम यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट वेटलैंड पे चलते हैं। बच्चों ने देखना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, तो श्याम जी इनको समझा भी रहे थे अभी बहुत ही सुंदर तरीके से। सुनील भाई साहब इनको शायद कुछ दिख चुका है, सुनील जी कुछ देखा आपने खास? मैंने अभी टेमिनिक स्टिंट बर्ड को देखा है। अच्छा, टेमिनिक स्टिंट, रेडर होते हैं छोटे छोटे जो सोर बर्ड कहलाती हैं। अच्छा अच्छा, पानी के किनारे पे जो मड फ्लैट होते हैं उनके पास में फीड करती हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप देख सकते हैं सामने दिख रही हैं। अच्छा जी, ये जो नीचे है रेड वाटर लैपिंग के बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बिल्कुल बाजू में। हाँ, अरे ये तो वही, अभी इसका हमने फोटो खींचा है लेकिन हमको नाम नहीं पता बात ही। और हमारे अंसार भाई,
बहुत ही शानदार आदमी और लग रहे हैं धुआंधार कुछ ना कुछ दिखाने करने के लिए। सर जी कितनी लिस्ट अब तक पहुंच चुकी है अपनी, कितनी स्पीशीज कुछ आईडिया? देखो हमारा इस मॉर्निंग से स्टार्ट किया था सेशन जी, और अभी तक मतलब मैं खाली भरतपुर की बात नहीं कर रहा, इंडिया के अलग अलग कोने से जो लिस्टें आ रही हैं जी, सो 285 के आसपास अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी है। और देखो अभी टीमों की काफी लेट सबमिट भी करेंगे, सो आई थिंक ज्यादा आनी चाहिए, मोर देन 300 तो हो जानी चाहिए, मेरे हो जाने चाहिए, लगता है कि इस बार काफी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात देखो ये भरतपुर के रूपबास एक छोटा सी जगह है, उसके बीचों बीच आप देख रहे हो ये खेतों में जो पानी भरा हुआ है, बिल्कुल उस पानी में कितनी सारी बर्ड्स है और वो बैठी हुई है, इवन सारस क्रेन मोर देन 100 से ऊपर स्पीशीज होंगी, बिल्कुल होंगी सर, बिल्कुल 100% होगी, काफी अच्छा वेटलैंड है और इन्हीं को बचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो टाइम हो गया 5:30 और हम अभी चेकलिस्ट सबमिट कर रहे हैं, हमारे श्याम भाई साहब फाइनल बना रहे हैं और अब कल से स्टार्टिंग करेंगे और कल केवलादेव नेशनल पार्क में हमारा पूरा दिन जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और अब सीधा भरतपुर पहुंच रहे हैं, और अच्छी लगे तो बताइए, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को। अभी एक्चुअली क्या इसी तरीके की वीडियो आएंगी 3-4 और, उसके बाद फिर कहीं मोटो व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। वास्तव में थोड़े से डेडिकेशन के संग लगे हुए हैं उसमें, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस वीडियो को अपन एंड करते हैं, कल मैं आपको पार्क में दोबारा मिलूंगा और वहीं से फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।